आपने भी सोनी के होम थिएटर सिस्टम HTS 20R को परचेज किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको होम थिएटर सिस्टम की पूरी इंस्टॉलेशन, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, पूरी की पूरी अनबॉक्सिंग, क्या क्या उसके बॉक्स के अंदर कंटेंट्स मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर हम 5.1 होम थिएटर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपने ना केवल सोनी का होम थिएटर सिस्टम लिया जो 5.1 होम थिएटर सिस्टम है, हालांकि किसी भी ब्रांड का लिया है, तो उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना होता है 5.1 होम थिएटर सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले, तो वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इंस्टॉलेशन के साथ इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली पूरी सीरीज को भी आप फॉलो कर सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी सोनी से मेरे पास विवेक जी और विशाल जी आ गए हैं और ये हमें पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाएंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको 5.1 होम थिएटर सिस्टम को लगाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में भी साथ के साथ आपको बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस, और सबसे पहले करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। तो अब जान लेते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। इसमें एक ये TVS साउंड के लिए ऑक्स केबल दी जाती है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें सिर्फ ऑक्स केबल ही मिलती है, HDMI ARC केबल नहीं मिलती है और ऑप्टिकल केबल भी नहीं मिलती है। अगर आपको वो लेनी है तो आपको अलग से परचेज करनी होती है। इसके साथ में ये पावर केबल मिलती है सिस्टम को ऑन करने के लिए, एक रिमोट आपको मिलता है, ठीक है, और इसके साथ में दो बैटरी मिलती है सोने की। तो ये जो नॉर्मल हमारे पेंसिल सेल्स होते हैं जो नॉर्मली भी अवेलेबल होते हैं दुकानों वगैरह में, वही वाली बैटरी भी होती होंगी आई थिंक। हाँ, वही वाली होती है सेम, लेकिन सिस्टम के साथ में ओरिजिनल सोने की आती है। अच्छा, तो अगर आप भी जो बैटरीज वगैरह ले रहे हैं तो ओरिजिनल सोनी की लें, अगर आपने इतना बड़ा सिस्टम खरीदा है तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें, ओरिजिनल सोनी की बैटरीज ही लें। इसके साथ में आपको एक मैनुअल मिलेगा आपको इसे ऑपरेट करने के लिए, उसमें कुछ लिखा होगा, और साथ में से वारंटी कार्ड आपको मिलेगा जिससे कि आपको इसके सिस्टम गारंटीज में होती है और इसी से आपकी फ्री इंस्टॉलेशन होती है। ये इसका सबवूफर होता है, ओपन करेंगे ये इसका बार होता है, ये दो उसके पीछे के रियर स्पीकर होते हैं, एक लेफ्ट का होता है एक राइट का होता है। तो जब भी आप अगर आप खुद इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा स्पीकर आपको लेफ्ट में लगाना है और कौन सा राइट में लगाना है। इसके पीछे लिखा हुआ है ये है सराउंड आर, यानी कि ये स्पीकर आपका राइट हैंड पे लगेगा, और जो दूसरा स्पीकर है ऐसे ही इसके पीछे लिखा हुआ है सराउंड एल, ये आपके लेफ्ट हैंड पे लगेगा। ये इसमें आपकी ये सारी चीजें निकलती हैं। अब करते हैं इसे इंस्टॉल। तो जब भी आप ये 5.1 सिस्टम सनवर्क परचेज करते हैं तो ये हमेशा टीवी के नीचे ही रखते हैं इस तरीके से, जो कि मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। मैं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साउंड बार है उसकी मार्किंग करी जा रही है कि इसको किस तरीके से लगाना है। तो जब भी आप अपने घर पे भी साउंड बार लगाएं, टीवी के जैसा भैया ने बताया, नीचे की तरफ ही लगाएं और उसकी पहले मार्किंग कर लें और उसके बाद ही होल्स करें और उसके बाद उसको फिक्स करें। तो अभी आप देख सकते हैं हमने सामने होल्स कर लिए हैं, अब इन होल्स के अंदर गिट्टी डाली जाएगी और उसके बाद उस पर कीले लगाई जाएंगी और उसके बाद जो साउंड बार है उसको उन कीलों पे हैंग किया जाएगा। कुछ इस तरीके से
आपको सॉन्डबार इंस्टॉलेशन करना होगा जो कि बहुत ही इजी है। तो अभी विवेक जी ने जो अपने हाथ में पकड़े हैं वो रियर स्पीकर हैं, इनकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है अब वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। जिस भी जगह पे बैठ के आप टीवी को देखते हैं उसके ये पीछे की तरफ लगते हैं, आपके पीछे की तरफ से साउंड आता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। जब भी आप रियर स्पीकर इंस्टॉल करवाएं तो इनको जिस जगह जिस पोजिशन पे आप बैठते हैं उसके पीछे की तरफ से साउंड आना चाहिए, इसीलिए इनको रियर स्पीकर भी कहा जाता है। तो अभी आपने यहाँ पे टीवी के नीचे साउंड बार का इंस्टॉलेशन देख लिया, अब मैं आपको वो प्लेस दिखा देता हूँ जहाँ पे रियर स्पीकर्स को लगाया जाएगा, क्योंकि इनको रियर स्पीकर जैसा मैंने बताया कहते हैं, इसलिए इनको पीछे की साइड लगाया जाता है, अपोजिट साइड में लगाया जाता है जहाँ पे आपकी साउंड बार और टीवी होते हैं। तो मैं एक बार टिल्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ देखें, इधर अगर आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे एक रियर स्पीकर को लगाया जाएगा, और अगर थोड़ा सा मैं इस तरफ घुमाऊं, दूसरा जो है इस तरफ यहाँ पे ऊपर पेलमेट के ऊपर जो है रियर स्पीकर को रखा जाएगा। तो एक बार आपको पूरा इंस्टॉलेशन दिखाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से इनको इंस्टॉल किया जाता है। अगर रियर स्पीकर के साथ मिलने वाली वायरिंग की बात करूं तो ये करीबन आपको 7 से 8 मीटर की वायरिंग मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपने सिस्टम लिया है। तो हर सिस्टम में जो वायरिंग है वो थोड़ा अलग आती है, तो जैसा भी आप सिस्टम लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको वायरिंग मिलती है, और मोटा मोटा एवरेज के तौर पर आपको 7 से 8 मीटर की वायरिंग मिलती है। तो आप जब भी सिस्टम लें इस चीज का ध्यान रखें कि आप किस जगह पर उसको इंस्टॉल करने वाले हैं और कितनी लंबी वायरिंग की आपको जरूरत होती है। तो रियर स्पीकर लगाने से पहले आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो ये रियर स्पीकर लगाए जाते हैं ये जो हाइट होती है करीबन 6 फुट की हाइट पे लगाए जाते हैं, हालांकि मेरे यहाँ पे जो हाइट है अराउंड 7 फुट के आसपास है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हर घर में करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली आप इन स्पीकर्स को फिक्स करा सकते हैं। तो इस हाइट का आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप रियर स्पीकर को इंस्टॉल करवाएं। रियर स्पीकर को इंस्टॉल करते हुए एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि आप इस चीज को जरूर इंश्योर करें कि लेफ्ट वाला स्पीकर जो है वो लेफ्ट साइड पे लगाया जाए, राइट वाला स्पीकर जो है वो राइट साइड पे लगाया जाए। तो अभी विवेक जी ने जो स्पीकर हाथ में पकड़ा हुआ वो लेफ्ट साइड का स्पीकर है जो हम बिल्कुल सही पोजिशनिंग के हिसाब से लगा रहे हैं। तो आपने देखा कुछ इस तरीके से इसको हैंग किया जाता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, जिस भी जगह आप लगाएंगे उस जगह में ये काफी अच्छा लुक भी देता है, और इसकी बिल्कुल सही पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से ही की जाती है। रियर स्पीकर को लगाने के बाद हम इसकी अभी वायरिंग कर रहे हैं, जो पीछे पीछे होते हुए यहाँ ऊपर से जाएगी वो सामने पीछे की तरफ से ये हमारे जो इस तरफ टीवी है उधर से कनेक्ट होगी। तो कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। तो अभी एक साइड के रियर स्पीकर को इंस्टॉल करने के बाद हमने ये तार जो है वायरिंग पीछे से निकाली है, और अब दूसरी वाली साइड पे हम दूसरे रियर स्पीकर को इंस्टॉल करने वाले हैं। दूसरे रियर स्पीकर को इंस्टॉल करने से पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि जिस हाइट पे जो पहला वाला रियर स्पीकर है वो इंस्टॉल हुआ है, सेम हाइट पे ही दूसरा वाला रियर स्पीकर भी इंस्टॉल होना चाहिए। हाइट में ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम हाइट पे दोनों स्पीकर होने चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं दूसरे वाले स्पीकर को भी प्लेस कर दिया गया है, और अभी उसकी भी वायरिंग को अच्छे से टकिंग किया जा रहा है। तो अभी वायरिंग को कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि इन वायरिंग को जो हम मेन सबवूफर है उससे जोड़ सकें। तो अभी साथ के साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो एक फर्स्ट रियर स्पीकर यहाँ पे लगा था लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे राइट वाला रियर स्पीकर लगा, अभी उसकी पूरी वायरिंग हो रही है, और ये वायरिंग यहाँ से जाते हुए नीचे की तरफ यहाँ पे मैं प्लेस करने वाला हूँ अपने सबवूफर को, और यहाँ पे मेरा टीवी और मेरी साउंड बार लगी हुई है। अभी सामने जो विवेक जी ने ये वायर पकड़ी हुई, ये हमारी साउंड बार की वायर है, इसका भी जो कनेक्शन होगा वो भी सबवूफर के पीछे ही होगा। तो अभी हम इस तार को भी ओपन कर रहे हैं ताकि इसका भी कनेक्शन सबवूफर के साथ किया जा सके।
तो अभी विवेक जी ने जो हाथ में पकड़ी हुई वो पावर कोर्ड है। अब पावर कोर्ड की जो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो करीबन करीबन 1 से 1.5 मीटर या करीबन 2 मीटर के आसपास ही आती है। तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल कराने का सोच रहे हैं इस होम थिएटर को, और आपको इस चीज़ का आइडिया लेना है कि कितनी लंबी आपको पावर कोर्ड चाहिए, तो ये इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इसकी लेंथ ऑलमोस्ट कितनी होती है। तो यहाँ कुछ इस तरह से मेरे सबवूफर की प्लेसमेंट होने वाली है। यहाँ पे मैं सबवूफर को रखने वाला हूँ। साउंड बार आपने देखी ली, मैंने यहाँ पे रखी है, और जो मेरा टीवी है वो यहाँ पे है। ये जो टीवी का साइज है वो भी एक बारी मैं रेफरेंस के तौर पे आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको साउंड बार की लंबाई का अंदाजा हो जाए। ये जो टीवी का साइज है 43 इंचज का ये टीवी है। नीचे की तरफ साउंड बार और इस वाली साइड पे सबवूफर है। तो हमने सारे स्पीकर इंस्टॉल कर दिए हैं, अब हम इसकी वायरिंग वो में अटैच करेंगे। तो पहले हम ये देख लेंगे हम कैसा लगा रहे हैं। तो ये कलर के हिसाब से कंपनी ने वायर दी गई है, ये आपका सेंटर स्पीकर का है। बाकी तीनों वायर जो आप देख रहे हैं, रेड, व्हाइट और ग्रीन, ये आपके सेंटर स्पीकर, इनके बाहर की आपकी है वायरिंग है। बाकी ये दो आप स्पीकर देख रहे हैं वायरिंग, नीली वाली लेफ्ट हैंड की, इनके लेफ्ट स्पीकर और ये राइट स्पीकर। इसे हम कलर के हिसाब से इसमें लगाएंगे वूफर में। ये देखिए पहला जो कलर आप देख रहे हैं रेड है, तो हम रेड वाली वायर पर लगाएंगे इसमें, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन, फिर ग्रे और लास्ट में ब्लू। ये इसकी पावर कॉर्ड के लिए दे रखा है, तो जो हम इसकी वायर है पावर कॉर्ड हम उसमें लगा देंगे। साथ ही आप ये देख रहे हैं ये तीन पोर्ट दे रखे हैं, एनालॉग इन, एचडीएमआई आउट और टीवी इन। तो आप अगर आपको टीवी से साउंड होम थिएटर में लेनी है तो कंपनी तार देती है, ये ऑक्स केबल आपको दी, इसके थ्रू भी आपका चल जाएगा 2.1। अगर आप पे एचडीएमआई है एआरसी तो आप ये यूज कर सकते हैं, और अगर आप पे नॉर्मल आपका है ऑप्टिकल केबल तो उसके थ्रू भी आप लगा सकते हैं इस साइड। अभी फिलहाल के लिए तो हमने इसको यहाँ टेबल के ऊपर ही प्लेस किया है। हालांकि विवेक जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने प्लेसमेंट के बारे में ये बताया कि इसकी जो एक्चुअल प्लेसमेंट होती है वो हमेशा आप इसको जमीन पे ही रखें, उससे ही आपको प्रॉपर जो इसका बेस होता है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ये सारा का सारा था इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। अब एक बारी सिंपली इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस जो मेरे होम थिएटर सिस्टम है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ अपने टीवी के ब्लूटूथ से। बाद में मैं आपको सारे के सारे कनेक्शन भी इसके करके दिखाऊंगा, एचडीएमआई एआरसी से कैसे आपको कनेक्ट करना है। फिलहाल के लिए अभी इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे टीवी ने जो मेरे होम थिएटर सिस्टम है उसको डिटेक्ट कर लिया है। तो अब इसको सिर्फ मैं पेयर करूंगा, उसके बाद सिंपली आपको इसको अपने टीवी का जो साउंड है इस होम थिएटर सिस्टम के थ्रू चला के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं अभी जो मेरा होम थिएटर सिस्टम है मेरे टीवी से कनेक्ट हो गया है। अभी मैंने अपने होम थिएटर सिस्टम को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, और अभी मैं एक सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ एनसीएस का, जिसमें कि मैं आपको एक थोड़ा सा और आइडिया देने वाला हूँ कि किस तरीके का साउंड अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आता है। तो मैं आपको सबवूफर के पास भी फ़ोन के कैमरा को लेके दिखाऊंगा, उसके बाद साउंड बार के पास भी उसको लेके जाऊंगा, और उसके बाद जो हमारे रियर स्पीकर है उनके पास भी एक बार लेके जाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। प्रेफरेबल है कि आप ईयरफोन का यूज़ करें जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी जो इसके साउंड टेस्टिंग के वीडियोज़ हैं, चाहे वो एचडीएमआई एआरसी से हों या ऑप्टिकल केबल के थ्रू हों, वो हम बाद में अभी अपने चैनल्स पे डालेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि पूरी की पूरी सीरीज को आप एक बार ही फॉलो कर पाएं।
तो यहाँ मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा विवेक जी का और विशाल जी का, जिन्होंने इतने अच्छे से पूरी की पूरी प्रोसेस को समझाया और अच्छे से इसको इंस्टॉल किया और अपना पूरा टाइम दिया हमें इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आपने पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो देख लिया और आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी की पूरी चीजें समझ आ गई होगी किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है होम थिएटर सिस्टम्स को। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।